नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स देखिए लास्ट प्रीलिम्स लिखने के बाद मुझे यह समझ में आ गया कि एक्लोजी में अब कितना भी पढ़ाई करें यूपीसी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं दिखने में हमें आसान लगेगा सुना सुना सा लगेगा पर थोड़ा बहुत ट्रिकी स्टेटमेंट्स दे देते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज से हम जितने भी स्पीचेस न्यूज में आते हैं ना दोस्तों उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखेंगे तो ऐसा कुछ फन फैक्ट्स

ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी वाटर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से ये माइग्रेट हुआ होगा इंडियन ओशन में इट बिलोंग्स टू द ऑर्डर ऑफ रे फिन फिश इसको स्कॉर्पानी फॉर्म में भी बोलते हैं ये पहली बार 1929 में पैसिफिक ओशन में डिस्कवर हुआ था जापान के आसपास दीज आर वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस फिश इन द दिन ठीक है इनकी जो स्पाइक्स है फिन से इसमें पॉइजन है तो बहुत ही खतरनाक फिश है एंड इसकी जो हेड रहता है ये बॉडी से बड़ा रहता है ये आप देख ही सकते हो इसकी जो लेंथ है 75 से लेके 127 ट्वेंटी सेवन मिलीमीटर तक होता है विथ जो है 14 से लेके 22 टू mm मिलीमीटर तक होता है एंड दे ब्लेंड इन परफेक्टली ब्लैकलीयर कोरल एंड रोकी सराउंडिंग्स देखिए ये जो स्कॉर्पियन फिश का कलर आप देख सकते हो कलर पैटर्न आप देख सकते हो अगर ये कॉरल के बीच में चुप जाएगा तो पता नहीं चलेगा तो बेसिकली दे आर फिश ये भी आप बोल सकते हो ना हैबिटेट देखिए पहले पैसेफिक में दिखता था अब जाके नॉर्थ वेस्ट पैसेफिक में एंड इंडियन ओशन में भी दिखने लग गया अब दोस्तों सम फन फैक्ट्स अबाउट स्कॉर्पियम फिश दे आर एक्सेप्शनल सीट एंड वेट प्रेडेटर्स देखिए ये कितने देर के लिए भी वेट करेगा जब तक तो कोई प्रेस के पास नहीं आते तब तक ये वेट कर सकता है एंड दे ओनली हंड्रेड नाइन तो बेसिकली बेसिकलीस आर नॉक्टेनल फिश ये रात को हंटिंग करते हैं डेलेट अवर्स रेस्टिंग इन क्रविसेस मतलब जो छोटे मोटे होल्स होते हैं ना दोस्तों इसी के अंदर चुप जाता है सुबह के टाइम पर रात को हंटिंग करते हैं मोस्ट कॉर्पियम फिश स्पीशीज आर लेस देन टू फीट इन साइज एंड हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ फिफ्टीन ईयर्स पंद्रह साल का लाइफ स्पान रहता है मोस्ट है, है दो फीट से कम होता है देखिए दोस्तों मैंने आपको फ्लावर फिश के बारे में बताया था उसकी साइज विट वगैरह बताया था ये पूरा स्कॉर्पियन फिश के बारे में आपको बता रहा हूं ठीक है ये फीमेल स्कॉर्पियन फिश जो है वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल स्कॉर्पियन फिश जो है पंद्रह हजार अंडे छोड़ सकता है और ये जो मेल है फिर इसका फर्टिलाइजेशन करता है एंड ये फर्टिलाइज एक्स जो है ये सरफेस में फ्लोट करता है जितने भी जो दूसरे प्रोडेटर्स है ना फिश वगैरह होता है ये सरफेस में जो एक्स फ्लोट करते हैं उसे खा नहीं पाता है तो सेफ रहता है सरफेस में दे टेंड टू लीव नियर द सर्फस बट कैन बी फाउंड अप टू एट हंड्रेड मीटर डीप नॉर्मली ये जो स्कोपियम फिश है ये आपको सी सर्फस साइड में मिलेगा पर एट हंड्रेड मीटर डीप मतलब टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फिट डीप सी में भी इसको डिस्कवर किया है तो दोस्तों द एंड ऑफ इट आई होप आपको स्कॉर्पियन फिश के बारे में बेसिक जानकारी मिल गया होगा इसी तरह छोटे न्यूज जो है जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मैं लेके आया करूंगा आप लोगों की वैल्यूबल सजेशन एंड कमेंट्स आप मुझे बता दीजिएगा ये सीरीज आपको अच्छा लगा या नहीं थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाई है